नमस्कार, क्या इस देश में अब एक खूंखार गैंगस्टर के एनकाउंटर पर भी सियासत होगी? क्या जो लोग कल तक अफजल हम शर्मिंदा है, याकूब मेमन के मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, क्या वो आज विकास दुबे हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल यूपी पुलिस वाले जिंदा है, ये नारा लगाएंगे? क्या कानपुर के शहीदों के परिवार को जो आज राहत मिली है, उनके कलेजे को जो ठंडक मिली है, उस पर भी सियासत होगी? क्या आपको योगी आदित्यनाथ से इतनी नफरत है? कल जब 8 पुलिस वालों को मारने वाला खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार हुआ, तो इसी मंडली ने सवाल उठाया कि यह प्लान्ड और प्रायोजित सरेंडर था। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि देखिए, ऊंची जाति का गैंगस्टर है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एनकाउंटर नहीं करवाया, सरेंडर करवा दिया। अगर कोई और धन जाति का होता तो मरवा दिया जाता। और आज जब सुबह सुबह यह खबर आ गई कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों का ही हथियार लेकर छीन कर उन पर फायर करने की कोशिश कर रहा था और उस बीच में जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया, तो विकास के एनकाउंटर पर विपक्ष की तरफ से अब सियासी गोलीबारियां शुरू हो चुकी है। सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका अधिकार है, मैं भी आज सवाल पूछना चाहता हूं, पर जांच तक का आप इंतजार नहीं करेंगे। बहरहाल, आज की डिबेट के सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं, सियासत कैसे हो रही है, उससे पहले हमारा हैशटैग है विकास दुबे एनकाउंटर। और पहला सवाल, विकास का वास्तव में एनकाउंटर हुआ या बदला लिया गया यूपी पुलिस द्वारा? पहला सवाल, क्या यूपी में कानून राज की जगह एनकाउंटर राज चल रहा है? देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, पर सवाल यह भी है, एनकाउंटर की जांच से पहले विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? विपक्ष बार बार सेना और पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़ा क्यों करता है? और क्या योगी राज में खाकी खादी गैंगस्टर नेक्सस गठबंधन का खात्मा हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है? पर चलिए, पहले मैं आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर जाकर बताना चाहता हूं कि गैंगस्टर विकास पर सियासी एनकाउंटर किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, गैंगस्टर विकास पर सियासी एनकाउंटर शुरू यह तो होना ही था। सबसे पहले गोली कौन दाग रहा है? प्रियंका वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, अपराधी का तो अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या होगा? प्रियंका वाड्रा जी, कई सारी तस्वीरें दिखाई है आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ, इन्हीं लोगों की, इनके मंत्रियों के साथ, उनके बारे में आप जरा कुछ कहेंगी? पर नहीं कहेंगी, इसलिए नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका जवाबी हमला यह होता है कि पहले सेना पर सवाल उठाए, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ये सब तो याद होगा, अब पुलिस वालों पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, ये पहला सियासी एनकाउंटर। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनकाउंटर जो है, लगातार सुबह तो एनकाउंटर हो चुका है विकास दुबे का, पर सियासी एनकाउंटर कैसे चल रहा है, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। आइए बढ़ाते हैं इसको आगे। ओमर अब्दुल्ला, मुर्दे कहानी नहीं कहते, कौन सी कहानी कहलवाना चाहते हैं सर, बताइए ना? मुर्दे कहानी नहीं कहते तो इसका मतलब यह है कि उसको जीवित रखा जाए। 2006 में वो छूट गया था तो, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला, तब आपने नहीं कहा कि किस तरीके से वो छूट गया। पर बहरहाल, कपिल मिश्रा ने जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला को कहा है, एकदम ठीक हुआ, यही होना जरूरी है, अगर पुलिस के हथियार छीनोगे तो आपको इसी तरीके से आपका खात्मा होगा। चलिए देखते हैं और भी सियासी एनकाउंटर। अखिलेश यादव, सपा के नेता लीडर, जिन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया कि गुड्डन त्रिवेदी के साथ तस्वीरें क्यों थी, क्यों उनके मिनिस्टर्स की तस्वीरें विकास दुबे के साथ थी, वो सवाल पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई है। मतलब उनका आरोप यह है कि विकास दुबे के पास ऐसे कई सारे राज होते जिससे कि बीजेपी की पोल खुल जाती, इसलिए बीजेपी ने मरवा दिया विकास दुबे को। पर सामने देखिए, प्रशांत कुमार, एडीजी प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं यूपी में, वो कह रहे हैं कि विकास को सरेंडर के लिए कहा नहीं, माना तो आत्मरक्षा में गोली करनी पड़ी। तो देखिए, दरअसल हुआ ये कि वो बंदूक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसे कहा गया कि आप जो है सरेंडर कर लो, ये मत करो, भागो मत, पर जब वो नहीं माना, जब उसने फायरिंग की, 4 पुलिस वाले घायल भी हुए, तब उसके बाद मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली और विकास दुबे मारा गया। पर हम अब देखते हैं कि देखिए, जयंत चौधरी आरएलडी के नेता है, वो कहते हैं कि बीजेपी में तो ठोकराज चल रहा है, मतलब जजों की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर जो फैसला है यूपी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है,
मतलब एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और जो ठोक नीति है योगी आदित्यनाथ की उसको लेकर। और उसी तरफ आप देखिए ये बयान जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है, ये है कानपुर कांड में शहीद हुए अनूप के फादर का बयान, उनके पिता का बयान, और वो कहते हैं कि एनकाउंटर के लिए यूपी पुलिस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज उन शहीदों के परिवार के कलेजे में ठंडक पहुंची है, पर कुछ लोगों का दिल पसीज गया है कि कैसे विकास दुबे मारा गया। पर बहरहाल लोकतंत्र है और सवाल पूछना जायज है। कुछ सवाल इस बयान के बाद, आईजी कानपुर के इस बयान के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। आप पहले सुनिए आईजी कानपुर का ये विरोधाभास वाला बयान और उसके बाद जो सवाल पुलिस की तरफ दागे जाने चाहिए, जो जांच का हिस्सा होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए ये बयान। इसकी स्ट्रेटजी होती है, इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी है, इसको गाड़ियां बदल बदल के अलग अलग गाड़ियों में बैठाल बैठाल के लाया गया था। जैसे ये उज्जैन से चला था, उसको लगातार एक गाड़ी में नहीं लाया गया था, कई गाड़ियां। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिस कर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है, उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो देखिए, कई सारे विरोधाभास तो है जो अभी आपने सुना, गाड़ी को लेकर एक सवाल बना हुआ है, पर कुछ और सवाल भी यूपी पुलिस की तरफ जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए एक जांच में। पहला सवाल, सवाल नंबर वन जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है, विकास के पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, छाती पर ही क्यों गोली मारी गई। आपको पता होगा कि एक SOP होता है कि किसी भी क्रिमिनल को, चाहे वो भाग भी रहा हो, तो उसको गोलियां जो है सीधे छाती में नहीं मारते, सिर पर नहीं मारते, पैर पर मारते, ताकि उसको एक तरीके से इंजर करके पकड़ा जा सके। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल आप देखिए, जो जायज सवाल, जो जांच में जिसका जवाब मिलेगा, मीडिया को घटना स्थल से पहले ही बैरिकेड लगाकर क्यों रोका गया, ऐसे आरोप कई सारे मीडिया कर्मचारी लगा रहे हैं, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। यह भी एक जायज सवाल है, क्योंकि हम चाइना नहीं है, मीडिया को पूरा अधिकार है हर चीज की जानकारी ले, और क्यों मीडिया को रोका गया, यह आरोप है। तीसरा सवाल, खूंखार गैंगस्टर को ले जाते वक्त हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। देखिए, हम ये जानते हैं कि हथकड़ी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश हैं, पर क्या इस तरीके के खूंखार गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों को मारा है, आप उसे गाड़ी से ले जा रहे थे तो उसके हाथ खुले थे, आपने उसके हाथ बांधे थे नहीं बांधे थे। सवाल नंबर 4, यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड ली थी कि नहीं ली थी, उज्जैन के कोर्ट से उसे उज्जैन से कानपुर लाने के लिए अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि ट्रांजिट रिमांड वहां के मैजिस्ट्रेट जज ने दी थी या नहीं दी थी, यूपी पुलिस को इसका भी जवाब देना होगा। 5वां सवाल, 8 दिन में विकास समेत 6 एनकाउंटर, सबके लिए एक ही तर्क कैसे, मतलब ये किस तरीके का कोइंसिडेंस है, ये किस तरीके का संयोग है कि सभी के सभी की स्टोरी इसी तरीके से थी, पुलिस का हथियार लेकर भाग रहे थे और एनकाउंटर में मारे गए, तो क्या दाल में कुछ काला है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पर मैं आगे बढ़ूं और डिबेट ओपन करूं, उससे पहले देखिए कि सियासी एनकाउंटर कैसे हो रहा है इस पूरे मामले पर, देखिए रिपोर्ट और उसके बाद बड़ी डिबेट शुरू करेंगे। आज मेरे बेटे की शहादत कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया, आज मेरा बेटा शहीद हो गया, शहादत पे अपनी पे कामयाब हो गया। अब मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा कि बहुत बड़ा मतलब न्याय किया, बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया, अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली है, उसे तो मरना ही था बस। दर्द और गुस्सा स्वाभाविक है, इन्होंने अपनों को खोया है, बदला लेने की सोच मन में भरी है, लेकिन विकास दुबे को बदला लेने के लिए मारा गया तो ये कानून राज पर सवाल है, गंभीर सवाल है। दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था विकास दुबे, सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, मिल भी गई, लेकिन अगर ये फेक एनकाउंटर था जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो ये जंगल राज है जहां गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, सिर के बदले सिर काटा जाता है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने
घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। अखिलेश विकास की कार पलटने को सरकार पलटने से जोड़ रहे हैं, तो प्रियंका विकास को संरक्षण देने वालों को सामने लाने की मांग कर रही हैं। जयंत चौधरी इसे योगी का ठोक दो राज बता रहे हैं, तो अमर अब्दुल्ला का कहना है कि मुर्दे कहानी नहीं कहते। सियासी सवाल तो बनते हैं, लेकिन पुलिस की नियत पर सवाल क्यों? जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे देख जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए, ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे आज कुछ और कह रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। मुंबई में पुलिस वालों को एनकाउंटर किंग बनाने वाली कांग्रेस आज खुद ही पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाला सबूत गैंग बिना जांच के ही यूपी सरकार से सबूत मांग रहा है। अपराधी मरा है, कोई संत नहीं। इस पर सियासी रोटी सेकना और फायदे के लिए पुलिस को घेरना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हमारा हैशटैग है विकास दुबे एनकाउंटर। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ चुके हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीनियर नेता घनश्याम तिवारी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस के सम्मानित आईपीएस अफसर टीआर कक्कड़ साहब जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जुड़ चुके हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता है, समर्थक है। सबसे पहले चलिए मैं शुरुआत आप ही से करता हूँ, बीएसपी के नेता से शुरुआत करता हूँ। सर, कोई हमदर्द मर गया, कोई आपका पार्टी लीडर मर गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना दुख क्यों हो रहा है आपको। ऐसे ना हो जाए कि आप जेएनयू में जाकर ये चीखने लग जाए विकास हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। धर्मवीर चौधरी, गुनहगार मरा, गैंगस्टर मरा, इतनी दिक्कत क्यों है? अच्छा हुआ गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। तहसीन भाई, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, इनकी नीति और नियत अपराधियों के पोषक की है, और इनके डीएनए को अगर आप टेस्ट कराओगे तो ये अपराधियों को पालते हैं, ये दंगा फसाद कराते हैं, ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, ये खून खराबे की राजनीति करते हैं। इस दुर्दांत अपराधी को पालने वाला कौन था? 2001 में बीजेपी की सरकार के समय में ये दुस्साहसिक घटना करने वाला, थाने में एक दर्जा राजमंत्री को मारने वाला ये विकास दुबे, आज विकास 6.5 साल में हाथ आया तो एक दुर्दांत अपराधी के रूप में हाथ आया। 3.5 साल की ठोकी बाबा की सरकार और 6 साल की भारत सरकार में ये विकास का नमूना बीजेपी का पूरा देश देख रहा है। और आज मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग के गठन के बाद में इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा, धनवीर जी, वो अगर आपका भाषण हो गया तो एक सवाल आपसे काउंटर पूछ सकता हूं? बैठ करके इसको बचाने का काम कर रहे थे, अगर आपका भाषण हो चुका है, ठीक है धनवीर जी। और ये अपराधी विकास दुबे, विकास दुबे, जांच होनी चाहिए। विकास दुबे के लिए आपने अगर भाषण देना बंद कर दिया है तो मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? जो शहीद के परिवार है, जिनके कलेजे में ठंडक पहुंची है, जो सारे जो वो सिपाही है उनके माता पिताओं ने कहा है कि अच्छा हुआ कि ये मारा गया, आज आप उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? ये ठोकी बाबा जो ठोक रहे हैं ये गलत तरीके से, सही तरीके से। तो शहीदों के परिवार, शहीदों के परिवार पर सवाल है, नहीं शहीदों के परिवार को आज जो राहत मिली है वो गलत मिली है? शहीदों के परिवार को राहत मिली वो गलत मिली? कौन सा राज चल रहा है?
ये आतंकवादियों सर चीख क्यों रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? विकास दुबे मर गया, उसका उसका गम है आपको इतना? पहले बड़ा करते नहीं, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, जब वो पहले तो सुनिए ना, विकास दुबे बसपा का नेता तो नहीं था, उसको ठोक देते हैं। सुनिए ना सर, धनवीर जी इतना उत्तेजित मत होइए, चीखने की जरूरत नहीं है, तर्क से बात कीजिए। ऐसे आप मेरा सवाल सुनेंगे या सीधा आप लाउड स्पीकर की तरह बोलते रहेंगे? ऐसे अपराध दुर्दांत अपराधियों को, अच्छा सुनिए मेरी बात, कभी गले लगाने का काम नहीं करती है धनवीर जी, बीजेपी के लोग करते हैं। तजिन भाई, धनवीर जी, विकास दुबे मारा गया, बताइए, हाँ विकास दुबे मारा गया, शहीद के परिवार खुश है, आपको खुशी हो रही है, आपको गम महसूस हो रहा है, मुझे उतना जवाब दे दीजिए बस एक लाइन में। इतना देर लग रहा है आपको? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग बन करके। अनिल जी, किन परिस्थितियों में पकड़ा गया, कैसे ये इतना बड़ा हुआ और कैसे ये मारा गया? अनिल जी, सवाल पूछे जाने चाहिए, जांच होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जांच तो ऐसे ही होनी है, एनकाउंटर की जांच तो होती है, पर अनिल सिंह जी आज जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरीके से कुछ लोगों को इतना गम महसूस हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टी लीडर मारा गया। आपने क्या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी के पार्टी लीडर को मरवा दिया या एक खूंखार गैंगस्टर मारा गया? अनिला जी, जी शहजाद जी विडंबना देखिए, अभी मैं बीएसपी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी और भारतीय जनता पार्टी को चुन चुनकर ये गाली दे रहे थे, भूल गए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनकी बहन जी कहती थी ना समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों का दल, और उसका मुखिया कौन? मुलायम सिंह यादव और उनके बाद अखिलेश यादव, भूल गए समाजवादी पार्टी को। पर आज जब विकास दुबे मरा है तो इनको भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। देखिए, विकास दुबे के मरने का मुझे बहुत खुशी है, कोई गम नहीं है, ये वो दुर्दांत अपराधी था जिसने सैकड़ों अपराध किए और इसके हाथ जो है खून से रंगे हुए थे। अगर मैं 2000 से लेके 2017 तक का विषय उठाऊं तो सोनलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्र, कौशल तिवारी, साधु, दिनेश दुबे, इन सब की हत्या करी, और अब आठ हमारे वीर पुलिस वालों की भी हत्या करी। तो जो ऐसा व्यक्ति है जब पकड़ा जाता है तो कहते हैं अरे सरेंडर किया अरेस्ट नहीं किया। पकड़ा गया ना, उसको ले जा रहे थे, मौसम खराब था, गाड़ी पलटी, ठीक है, उसने भागने का प्रयास किया, पुलिस वालों के ऊपर गोली भी चलाई, जवाब में पुलिस वालों ने भी गोली चलाई, मारा गया, और ऐसा छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, रुदालियां निकल आई हैं, और अखिलेश यादव ने तो हद ही कर दी, उनको लगा उनके प्रवक्ता बंधु जो हैं शायद संभाल नहीं पा रहे, तो पर्सनली इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल्स को, साफ दिखाई देता है ये बेचैनी। और एक चीज और मैं बोल दूं शहजाद जी, जल्दी से, आपके पैनल पर भी बैठे हुए हैं ना, ये सुन लीजिए, जो बार बार कह रहे हैं ना सारे राज दफन हो गए, अभी उसकी पत्नी बैठी है, बहुत कुछ उगलेगी। उनकी माता जी ने बोला कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव जी और उनकी फौज कहती है अरे वो तो पागल हो गई है, मानसिक संतुलन खो चुकी है, उनका बेटा जो मर गया है ना इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करी। ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है एक वृद्ध महिला के लिए, जाएंगे एक सेकंड रुक जाइए, घनश्याम तिवारी चौधरी एक सेकंड, बीच में डिबेट में ऐसे बीच में नहीं चीखना, वो तो खुलकर आएंगे। घनश्याम तिवारी जी एक बात बताइए, 2006 में जब वो अक्विट हो गया था, मुलायम सिंह यादव की और कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने अपील नहीं की फिर से छूट जाता, उससे अच्छा अगर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में मारा गया तो इतना दुख क्यों है, इतना गम क्यों है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों मुठभेड़ में सवाल उठा रहे हैं? आपका जो पहला सवाल आपके शो का था वो तो पुलिस से था, वो नेताओं से तो था नहीं, यानी कि आप मीडिया के रूप में भी, आपको भी इस पुलिस की कहानी में शक है, पुलिस की कहानी में शक है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी में शक है, अर्थात आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो शहीद के परिवार कह रहे थे सीबीआई जांच चाहिए क्योंकि उनको आदित्यनाथ की सरकार की भरोसा नहीं है, आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो कह रहे थे कि 5 साल के कॉल रिकॉर्ड पब्लिक होने चाहिए, आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो कह रही थी कि ब्रजेश पाठक
जो कि कानून मंत्री हैं उनका बयान लिया जाना चाहिए। आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो कह रहा था कि जिन बीजेपी एमएलए का नाम उसने अपने इकबालिया बयान में दिया है उनकी जांच होनी चाहिए। आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो पूछ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह या फिर जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में इनके साथ विकास दुबे के फाइनेंसर की तस्वीर क्यों है। आप उस मुहिम के साथ खड़े हैं जो पूछ रहा है इस ड्रामे का जो ड्रामा रचा गया कि जिस तरीके से उसने सरेंडर किया आत्मसमर्पण किया वो ड्रामा था या ये जो अभी नया जो ड्रामा आज सुबह आप देख रहे हैं वो ड्रामा है। पुलिस का एक अफसर कहता है गाड़ी नहीं बदली गई जबकि मीडिया दिखा रहा है कि गाड़ी बदली गई। एक एक व्यक्ति सोचिए पुलिस की 30 गाड़ियां चल रही ये विकास दुबे को और बड़ा बनाना चाहते हैं उसके सबूत क्या करके उसे और बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि आपकी सरकार बच सके। ये बता रहे हैं एक व्यक्ति 30 पुलिस की गाड़ियों के काफिले उसने अपनी उसके पांव में चोट लगी थी उसने अपनी एक सफारी बात पूरी करने दीजिए अपनी सफारी की गाड़ी से उसने नई टीयूवी गाड़ी में छलांग मारी उसने 4 पुलिस वालों को जख्मी किया उसके बाद उसको पुलिस ने मार दिया। इसलिए पुलिस को बहुत बधाई देनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले अपनी पुलिस के साथ इस ड्रामे की स्क्रिप्ट का रिहर्सल कर लें उसके बाद मीडिया के सामने आए। नहीं घनश्याम तिवारी जी मैं आपको बता दूं जब 2002 से लेकर 8 तक आपकी सरकार थी और 2009 से लेकर 13 तक जब बीएसपी की सरकार काफी हद तक थी वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 था फर्जी एनकाउंटर में पूरे उस कार्यकाल में और तब भी हमने यही सवाल उठाए थे। पर आज सिर्फ आज सवाल क्यों उठा रहे उस समय पर भी आपने सवाल उठाए थे कि उत्तर प्रदेश में इतने फर्जी एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं तथाकथित फर्जी एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं यही तो दिक्कत है ना अनिल सिंह। कम से कम आप अपने दर्शकों के सामने ये मान रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है इसका मतलब कि उस स्क्रिप्ट में उस फर्जी स्क्रिप्ट में जो अनिल सिंह आपने उस समय के एनकाउंटर पे सवाल उठाए थे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या परेशानी है इस देश की मीडिया ये मान रही है कि फर्जी एनकाउंटर है ये अलग बात है तिवारी जी उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी के जो आला कमान है अखिलेश यादव जी जो खुद एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री रहे जब टेन्योर चलता था तो ये होता था कि भाई कितने मुख्यमंत्री हैं 4 हैं कि 5 हैं कि 1 है और अपने पिताजी का और अपने चाचा जी का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने वाले आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे आपकी तो ताकत ही अपराधी और अपराधीकरण है। कानपुर जो है वो अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था कपड़ा उद्योग चमड़ा उद्योग फिर अखिलेश यादव जैसे जो दल आए उन्होंने क्या किया जो उद्योग था उसमें तो लगवा दिए ताले और विकास जैसे लोगों के साथ अपराध का उद्योग बढ़ाया। अरे अखिलेश यादव जी से कहिए घड़ियाली आंसू ना बहे एक एक करके बात करते हैं। प्रेम कुमार कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार को और मैं टीआर कक्कड़ साहब को डिबेट में लाना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी पहले आपके पास आता हूं आपको जितने सवाल पूछने हैं आपको याकूब मेमन के मानव अधिकारों की चिंता है आपको अफजल गुरु के साथ क्या अन्याय हुआ उसकी चिंता है हो सकती है आपको आपने जो पुलिस वाले मारे गए 8 पुलिस वाले मारे गए उनके परिवार के मानव अधिकार की बात आप लोगों ने की क्या। चलिए आपको जो सवाल उठाना है उठाइए आज टीआर कक्कड़ साहब से पर शुरुआत आज प्रेम कुमार में चाहता हूँ आपको एक सबसे पहले शहजाद जी नहीं मैं आपको मौका दे रहा हूँ प्रेम कुमार पहले आप जो सवाल उठाएंगे टीआर कक्कड़ जिसका जवाब देंगे उससे पहले मैं चाहता हूँ एक सेकंड पहले एक बात मेरी ले लीजिए नहीं मेरी उससे पहले एक बात मेरी ले लीजिए नहीं मेरी बात ले लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत में सर मैं चाहता हूँ आप शुरुआत में मैं जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ नहीं जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप आज जब सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मुझे उन 8 शहीदों के नाम बता सकते हैं। प्रेम कुमार को फ्रेम पर लाइए मैं प्रेम कुमार के जो सवाल है टीआर कक्कर उसका जवाब देंगे पर प्रेम कुमार मुझे पहले आप शहीदों के नाम बताइए जिन शहीदों के बारे में आप एक मिनट भी नहीं सोच रहे हैं आप मुझे उन 8 शहीदों के नाम बताइए आप मुझे 8 शहीदों के नाम बताइए चलिए बताइए सर बिना देखे शहजादी बिना देखे मुझे 8 शहीदों पहले के नाम चाहिए। आप मुझे किसी पार्टी का समर्थक बोल करके लिखना बंद कीजिए नहीं आप नहीं, नहीं, पहले पहले इसलिए मैं पहले रिक्वेस्ट यही कर रहा था पुलिस पर उठा मैं किसी पार्टी का मुझे शहीदों के नाम बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का भी समर्थक हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थक हूँ आप जिनके समर्थक होना चाहिए होइए पर मुझे बताइए उन 8 शहीदों का नाम जिन्होंने अपनी जान खोई विकास दुबे के गोली से हाँ मेरे मेरे सुपर में नहीं मैं मेरा ये आग्रह लीजिए मेरे नाम के नीचे आप किसी पार्टी का समर्थक मत लीजिए हटा दिया चलिए हटा दिया आपको नाम पता है उन शहीदों के उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ठीक है अब मुझे बताइए कि आपको उन 8 शहीदों का नाम पता है निश्चित रूप से 8 नाम 8 नाम
देखिए ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जब वो आठ नहीं, आपको मैं बताता हूँ आज मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जब वो आठ शहीद गए थे, जब वो आठ शहीद गए थे उस जगह, मैं बता रहा हूँ, चौबेपुर सुनिए, जहाँ पर वो पकड़ने गए थे, क्या हुआ उनके साथ, सुनिए, एनकाउंटर हुआ उनका, उसमें यादव भी हैं, उसमें दुबे भी हैं, गोलियों से मारा गया, मिश्रा भी हैं, उसमें गुप्ता भी हैं, और आज आप कह रहे हैं कि ये विकास दुबे, इसका फर्जी एनकाउंटर हुआ, यही सवाल, सवाल उठाना जी, यही सवाल मैं रख रहा हूँ आपको, वो यही सवाल मैं आपको रख रहा हूँ शहजाद जी, मुझे जवाब दीजिए, शहीदों की आठ जो शहादत हुई है, ये आठ, हाँ मैं दे रहा हूँ, नाम भी नहीं पता, ये जो आठ शहादत हुई है, इस आठ शहादत, ये शहादत इसलिए हुई क्योंकि पुलिस मुखबिरी कर रही थी, ये शहादत हुई और ये एनकाउंटर जो हुए क्योंकि इसका जो नेक्सस है, नेता पर सवाल उठाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, उन सबको बचाने के लिए ये एनकाउंटर हुआ है, तो दूध का धुला था, उसने तो आठ लोगों को नहीं मारा, सुनिए सहजाजी, नहीं देखिए ना, गैंगस्टर पर इनको विश्वास है, गैंगस्टर के मानवाधिकार है, पर यूपी पुलिस मरती है, यूपी पुलिस के लोग शहीद होते रहे, टीआर का कर्ण पुलिस के विल की आत्महत्या है, ये आत्महत्या करके आप अपराधियों के संरक्षण देने वालों को बचाने के लिए एनकाउंटर है, सात दिन के भीतर छह एनकाउंटर, आप छह एनकाउंटर में जो लोग मारे गए, आप उसका सवाल क्यों नहीं उठा रहे यार कक्कर साहब, ये पुलिस पर भरोसा नहीं है इनको, इस एनकाउंटर के नाम पर जो अपराधियों को बचाया जा रहा है, इस एनकाउंटर के नाम पर जो लोगों को बचाया जा रहा है, जिन लोगों ने, और उन प्रश्नों का उत्तर हम हमेशा एक इंक्वायरी बिठाकर, कोई मजिस्ट्रियल या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाकर उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते, इस वक्त परिस्थिति, इस वक्त जो विषय है वो ये है कि विकास मारा गया, जिस व्यक्ति ने बेदर्दी से इतने इतने पुलिस कर्मियों को मार दिया, उनको जख्मी किया, उनके परिवारों के बारे में भी सोचना हमें पड़ेगा। मैं अभी सुन रहा था बीएसपी के नेता जी हैं, वो एक जैसे कोई उनको दिया गया एक सब्जेक्ट और उसका उत्तर भी दिया गया कि आप यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, तो उन्होंने अपनी शुरू कर दी। तिवारी जी ने आज, तिवारी जी जो हैं वो बड़े सभ्य तरीके से बोले हैं, उन्होंने शायद वो भी मन ही मन में खुश हैं कि वो मारा गया है, ताकि बाकी चीजें जो उनके काल की, दूसरों के काल की जो चीजें हैं, जो वाक्य हैं, वो सामने ना आए। मैं केवल आपको इतना बता सकता हूं कि अब जो हुआ है वो हम सबके सामने है, इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी, ये कानून कहता है कि जब, मैं भी यही कह रहा हूं कि जब इसकी जांच होगी, कानून में लिखा गया कि इसकी जांच होनी है, तो जांच से पहले ही पुलिस पर सवाल खड़े करने का क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है, और सेना पर कभी सवाल, कभी पुलिस पर सवाल, पर गैंगस्टर पर कोई सवाल नहीं। मैं आऊंगा लौट कर आपको हेडलाइंस दिखाकर, और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, हेडलाइंस देखकर लौट कर। आज का हमारा हैशटैग है विकास दुबे एनकाउंटर, और सवाल जो मैं घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनसे पूछना चाहता हूं कि घनश्याम तिवारी ये कितना खूंखार अपराधी था, इससे आप अपरिचित नहीं हैं। इसने कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों को मार दिया, इसके पास से सात क्रूड बॉम्ब बरामद हुए हैं। आज जब पुलिस एक वर्जन दे रही है, जांच से पहले पुलिस को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दिया जा रहा, गैंगस्टर को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, जहां तक पुलिस को बेनिफिट ऑफ डाउट की बात है, अभी तक और कल तक खासकर शहीद, हर शहीद परिवार के लोग, सदस्य ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो शहीद पुलिसकर्मी है उन्हीं को आदित्यनाथ के गैंगस्टर राज में भरोसा नहीं है, तो आप मेरे बेनिफिट ऑफ डाउट की बात मत कीजिए, शहीद पुलिसकर्मियों की बात कीजिए। हमने तो पहले दिन से कहा था इस नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। अभी तक कानून मंत्री का आप मुझे कोई भी बयान दिखा दीजिए, जिस प्रदेश के कानून मंत्री की इतनी जबरदस्त बीमिंग फोटोग्राफ सामने आए, उसका आपके पास कोई बयान नहीं है। आपके पास स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उनका कोई बयान है, नहीं मिलेगा। कहना है राज छिपाने के लिए आपने मरवा दिया। नहीं, आप बीच में बोलिए, आपने अपना सवाल पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस नेक्सस को बता रहा हूँ, इससे पहले कि अनिला जी पूछे बोले, आप इसे बोले, मैं बता रहा हूँ कि अगर सरकार की बात होती तो अभी तक इन लोगों ने कानून मंत्री का बयान रखा होता, स्वतंत्र देव सिंह का बयान रखा होता, अवनीश अवस्थी जी का बयान रखा होता, सरकार ने उन दो विधायकों से के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की होती, सरकार ने इस नेक्सस में किसी का भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, सरकार पहले दिन से लगी हुई है किस तरीके से इस नेक्सस को दबाया जाए, इसीलिए नेक्सस को दबाया है, उसके उसमें कामयाबी मिली है। ठीक है, अभी पास तथ्य नहीं होते हैं, वो चिल्लाते हैं,
घनश्याम तिवारी जी, जिनके पास तथ्य नहीं होते वो चिल्लाते हैं, मुझे लगता है कि आपके पास तथ्य हैं तो आप उत्तर जरूर देंगे। अभी प्रेम कुमार जी से शहजाद जी ने पूछा कि आप जो 8 वीर गति को प्राप्त हुए हमारे पुलिस के भाई, उनके नाम दीजिए, वो नहीं बोल पाए। मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ, आप बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे विकास दुबे का जो पूरा कांड चल रहा है, कितने लोगों को अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 दिन में पुलिस ने मार गिराया और गिरफ्तारी करी इसके गैंग के लोगों को, नाम बता दीजिए। मैं नाम बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा से नाम पूछा, मैं आपको दो लोगों के खास का नाम बताऊंगा। एक श्यामू वाजपेयी, जिसको जब पुलिस ने मारा तो उसके परिवार ने बोला अरे एक दिन पहले तो पुलिस उसे उठाते गए थी एनकाउंटर में, नाम क्यों बता रहे हैं। प्रभात मिश्रा, जिसको आपने फरीदाबाद से पकड़ा और उसके बाद पुलिस ने इसी तरीके से कहा कि हमारी जीप खराब हो गई थी, प्रभात मिश्रा भाग रहा था इसलिए हमने उसे मार दिया। ये जो आप नाटक पूरे प्रदेश के स्तर पर चला रहे हैं, प्रभात मिश्रा श्यामू वाजपेयी उसके जीता जान का उदाहरण है, इतने महत्वपूर्ण केस में भी आप फर्जी एनकाउंटर का नाटक चलाते रहे, तो ये जो नाटक आप चला रहे हैं आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ हैं, देश के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी सरासर नाटक चला रही है, अपने मन से सरेंडर करवाती है, अपने तरीके से एनकाउंटर करती है, उसके बाद पुलिस से झूठ बोलवाती है, क्या इस देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं आप लोग? इस देश के लोगों ने आपको बनाया है, आप हिंसा करोड़ का जिम्मे का झूठ बोलिए, आप बोले की हमारे सेना में आया नाप करके चला गया, आप बोले 15 लाख रुपए देंगे सब लोग काला धंधा करके, आप बोले आदित्यनाथ संत है उनके ऊपर कोई अपराध का मुकदमा नहीं है, आप बोले केशवनाथ मौर्य संत है उनके ऊपर कोई अपराध का मुकदमा नहीं है, आप देश और सांसदों और विधायकों को संसद और विधानसभा पहुंचा दीजिए जिनके ऊपर अपराधिक अपराधिक मुकदमे हैं, आपको क्या लगता है की लोग बेवकूफ है और ये देख रहे हैं की किस तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का भट्टा दिखा दिया है। धर्मवीर चौधरी बीएसपी के समर्थक धर्मवीर चौधरी, एक सेकंड धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी, बहन मायावती के कार्यकाल में 138 एनकाउंटर हुए, कितने में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की गई, तब एनकाउंटर हुए तो पुलिस का वर्जन सच्चा था, आज पुलिस का वर्जन गलत है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो आपको भाते नहीं है। मैं चाहता हूं बीएसपी से ये सवाल लिया जाए, बीएसपी बताइए धनवीर चौधरी जी। तहसीन भाई, मेरा नाम शहजाद है पहली बात, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि मायावती के कार्यकाल में जितने एनकाउंटर हुए कितने सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाई? शहजाद भाई योगी आदित्यनाथ बड़बोले मुख्यमंत्री 3.5 साल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपको यूपी के पुलिस पर भरोसा है? 5 टॉप 5 में बद्दो नाम का अपराधी मेरठ से फरार हो गया और वो आज तक हाथ नहीं आया। ये केंद्र सरकार दाऊद को पकड़ने की बात करती थी, विकास दुबे जब छूटा था आपने अपील क्यों नहीं की? 7 दिन में विकास नाम के, विकास दुबे जब छूटा तब आपने अपील क्यों नहीं की? पकड़ पाए। और बहन कुमारी मायावती जी के शासन में, मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में 150 से ज्यादा अपराधियों को मार गिराया गया, तो वो सही थे, आज ये गलत है। बहन कुमारी मायावती जी को पुलिस पर भरोसा था, आज नहीं है। से फोर्ब्स मैगजीन ने नवाजा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये फर्जी ठोकने वाले लोग, इनकी जो पुलिस है उसका मनोबल गिर चुका है, ये अपराधियों के आगे उनके जमाने में एनकाउंटर हो तो सही, आज हो तो गलत, ये अपराधियों को पकड़ती नहीं है, उसको दूध पिलाने का काम करती है, उसको बड़ा करने का काम करती है। हमारे एनकाउंटर इनके एनकाउंटर नहीं, नहीं, इस अपराधी ये इनका कहना है कि हम जो है अपराधी को 35 पुलिस वाले इनका कहने को आपकी डिबेट 7 जवानों को बोलिए, अनिल बोलिए, अनिल को बोलिए, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं और जब ये घिर जाते हैं इनको शांत करिए। मैं ऐसे कैसे? धर्मवीर जी एक सेकंड, आप सुन लीजिए, अनिला की बात सुन लीजिए, अनिला की बात सुन लीजिए, आप लंबा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा जी, योगी आदित्यनाथ जी जो है, ठोको मुख्यमंत्री है, ये तो बात सच है, बीएसपी को ठोका, आउट 2017 आउट, 2019 आउट, फर्जी 2017 आउट, 2019 मुख्यमंत्री है फर्जी, 2017 आउट, 2019 आउट, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और धर्मवीर जी आप अपराधियों की बात कर रहे हैं ना, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप मुझे, आप सुन लीजिए आप मुझे बता दीजिए कि कल जो है एक दुर्दांत अपराधी का
एक दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर हुआ है जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है। क्या नाम है उसका बताइए, मुझे ना जांच से पहले फैसला फर्जी है, कैसे फर्जी है? मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या विकास दुबे के जो एनकाउंटर हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं या राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, जब भी कभी कोई एनकाउंटर होता है प्रश्न उठते हैं, मैंने पहले भी कहा है, इसमें भी प्रश्न उठेंगे। अब उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक जांच बिठाई जाती है, वो जांच कमेटी जो किसी भी हो, मैजिस्ट्रियल हो, जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इस तरह की बिठाकर उन सब सवालों का जवाब दिया जाता है। और जिस जिसको शक है वो जाके वहां पे बयान देगा। उस बयान अब प्रश्न उठता है कि क्या इसके मर जाने से जो कह रहे हैं सुराग जो हैं लोगों के नहीं मिलेंगे। अरे भाई, अच्छा है ये मर गया, क्योंकि बाकी कम से कम हर चीज बताने में संकोच नहीं करेंगे। इसके डर से तो वो संकोच करते थे, बाकी इतने सारे इसके गुर्गे हैं, इतने सारे और प्रेम कुमार सबसे जब जान प्रेम कुमार क्या विस्तार पूर्वक प्रेम कुमार सिर्फ आतंकवादियों के मानव अधिकार, सिर्फ गैंगस्टर के मानव अधिकार है क्या? इन शहीदों के मानव अधिकार नहीं है क्या? उन शहीदों के परिवारों के मानव अधिकार नहीं है? प्रेम कुमार काउंटर में मर जाए खुशी तब भी होगी, लेकिन विकास दुबे अगर अदालत में सजा पा करके मरता है तो सबसे ज्यादा खुशी तब होगी। हमारे शहजाद जी, मैं रिपीट करता हूँ, अगर अगर विकास दुबे कोरोना से मर जाए तब भी खुशी और संतोष होगी कि यहाँ पर एक अपराधी मरा। बिल्कुल दुख नहीं है, और लेकिन विकास दुबे जरूर होनी चाहिए, एनकाउंटर में मरता है तब भी खुशी होगी कि वो मारा गया। बिल्कुल दुख नहीं विकास दुबे, लेकिन जब अदालत से प्रोसिक्यूट होकर के अगर मरता है, उन तमाम लीक्स को सामने लाता है, वो तमाम भंडा फोड़ करता है नेता पुलिस और अपराधियों का, तो वो जो मौत होगी वो देश और समाज के लिए जरूरी और सुकून देने वाली मौत होगी। और वर्ष आप शायद वापस नहीं आएंगे, तो अभी अपने राजनीति की बात कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी मरने की बात कर रहे हैं। मैं घनश्याम तिवारी के पास जाना चाहता हूं, घनश्याम तिवारी किसी के बीच में नहीं बोल रहे। घनश्याम तिवारी, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, इस तरीके की चर्चा नहीं चाहिए, इस तरीके की चर्चा मुझे नहीं चाहिए। घनश्याम तिवारी, मैं आपसे बड़े संजीदगी से पूछना चाहता हूं, 2006 में आपकी सरकार थी, ये छूट गया, इसके खिलाफ अपील नहीं हुई, 20 पुलिस वाले हॉस्टाइल हो गए, उनके बयान पलट गए, इसके लिए वो छूट गया, आज वो फिर से अगर सिस्टम में कमी होती छूट जाता, मुठभेड़ की एक स्थिति पैदा हुई, मुठभेड़ में वो मारा गया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कम से कम ये गैंगस्टर खादी खाकी का जो नेक्सस है उसको योगी आदित्यनाथ तोड़ रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए? आदित्यनाथ स्वयं अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए राजनीति में नहीं आते तो आपकी बात में दम होता, या केशव प्रसाद मौर्य अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए राजनीति में नहीं आते तो आपकी बात में दम होता। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, आप 2018 उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था फर्जी एनकाउंटर इतने क्यों हो रहे हैं। 2019 उठा लीजिए, एनएचआरसी की रिपोर्ट है 15 जून 2019 की, उत्तर प्रदेश सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ फेक एनकाउंटर कंप्लेंट्स विद एनएचआरसी। तो उत्तर प्रदेश ने अपना एक नाम, अनिला जी को बधाई देता हूं, एक नाम बनाया है पूरे देश में फर्जी एनकाउंटर में। जहां तक नेक्सस की बात है, हमने तो डे वन से कहा था आप इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स पब्लिक कीजिए पिछले 5 साल के। क्या अनिला, उत्तर प्रदेश में कानून राज के बदले एनकाउंटर राज, गैंगस्टर राज है, कानून राज की बात नहीं है, पूरा गैंगस्टर। ठीक है अनिला, जवाब देंगे, प्रदेश की पुलिस गैंगस्टर की तरह काम कर रही है। ठीक है अनिला, अनिला जवाब दीजिए, अनिला अनिला आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एनकाउंटर राज में, जी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी पहुंची, पहुंची, बोलिए जी। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ घनश्याम तिवारी जी से, बहुत ही संजीदगी से ये डिबेट करते हैं कि ये बताइए एनकाउंटर में जो है आप और मुझ जैसे जो इनोसेंट लोग हैं वो तो नहीं मारे जा रहे, अपराधी मर रहे हैं ना, भागना चाहते हैं, गोली चलती है और वो मरते हैं, तो कोई कष्ट है, कोई परेशानी है समाजवादी पार्टी को कि अपराधी जो है क्यों खत्म हो रहे हैं? जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने स्पष्ट कहा था ना,
या तो अपराध छोड़ दो या चले जाओ, यहाँ रहोगे तो मरोगे। तो अगर अपराधी मर रहे हैं तो क्या परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी को? अगर है तो बताइए क्या है। अभी प्रेम कुमार बहुत अच्छा लगता अगर उसका उसके जुडिशियली अगर उसको सजा मिलती, हमें भी अच्छा लगता, हमें बहुत अच्छा लगता हमारे पुलिस वालों को नहीं मारता, हमें बहुत अच्छा लगता कि आज सुबह जो है 3 पुलिस वालों के ऊपर गोली ना चलाता और जाता जेल। पर गलत काम करेगा, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत होती है, हु लिव्स विद द सोर्ड डाई विद द सोर्ड। तो जो इसको आप सोर्ड की जगह गन कर लीजिए, तो जो बंदूक के सहारे जिंदा रहना चाहता है तो वो बंदूक से ही मरता है। मैं ये कहती हूँ कि वो मरा, बहुत अच्छा हुआ, एक दुर्दांत अपराधी की कमी हुई है उत्तर प्रदेश में। बाकी तो मैंने बताया ना, 12 घंटे हिरासत में रहा है, अभी पत्नी है और उसके बहुत सारे गुर्गे। अमित साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो उसके गुर्गे थे, खास गुर्गे थे, थोड़ा वो मर गया है, वो खुलकर बताएंगे। प्रेम कुमार मुझे एक बात बताइए, आज अगर गुनेगारों का खात्मा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गैंगस्टर मारे जा रहे हैं, तो आप लोगों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं फिर से बात आपसे वही पूछ रहा हूँ, शहीदों का और शहीदों के परिवार का कोई मानव अधिकार नहीं है? कोई याचिका आप उसके लिए दर्ज करवाएंगे? कहीं जाएंगे आप कहने के लिए कि इनका परिवार जो अब रो रो कर बिलक बिलक कर रो रहा है, उसको भी सांत्वना मिले? आज उनको ठंडक मिली है, आज उनकी छाती में एक ठंडक आई है, कलेजे में ठंडक आई है, क्या उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? प्रेम कुमार आखिरी शब्द। हमारी प्राथमिक चिंता वही है शहजाद जी, हमारी प्राथमिक चिंता वही है शहजाद जी कि जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कैसे न्याय मिले, और ये जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो अपराधियों के लिंक को सुरक्षित करने वाले हैं, अपराधी और नेताओं के नेक्सस को बचाने वाले हैं। टीआर कक्कर साहब, सबूत नष्ट किया गया है, गवाह की हत्या हुई है। टीआर कक्कर साहब, क्या पुलिस वाले राजनीतिक आका के कहने पर मार देते लोगों को? इतना सिंपल है, जोड़ के सामने ये 6 दिन जी बताइए। पुलिस पकड़ कक्कर साहब, प्रेम कुमार कहते हैं कि राजनीतिक आकाओं के दिशा निर्देश पर पुलिस वाले बिना सोचे समझे किसी को भी मार देते हैं, क्या ऐसा चलता है पुलिस में? बताइए प्रेम कुमार साहब को। देखिए ऐसा बिल्कुल यही हो रहा है, 36 ईयर्स की नौकरी में ऐसा नहीं देखा है। जिनको जिनके खिलाफ केसेस होते हैं और जो पुलिस के अपने हथकंडे जमाते हैं, पुलिस को तंग करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, उनका एनकाउंटर जरूर होता है, बिकॉज वो पकड़ में आना नहीं चाहते हैं तो एनकाउंटर्स होते हैं। लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति का मैं कह सकता हूँ कि 36 साल में मैंने सबूत नहीं है, ऐसा नहीं देखा कि निर्दोष को एनकाउंटर हो गया हो। एनकाउंटर होगा और यही तो बात है। देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ब्रेक भी लेना चाहता हूँ, पर ब्रेक में जाने से पहले आज मैं छाती ठोक कर कहना चाहता हूँ कि कांस्टेबल बबलू कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव और DSP देवेंद्र मिश्रा के परिवार जनों को आज शांति मिली है। और अगर उनको शांति मिली है तो एक नहीं 100 विकास दुबे को मारो, 100 विकास दुबे को मारो। सुनिए उनकी बात और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक सुनिए। कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया आज मेरा बेटा, शहीद होकर शहादत पे अपनी पे कामयाब हो गया। अब मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा कि बहुत बड़ा मतलब न्याय किया, बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया, अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली है, उसे तो मरना ही था बस। और जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इन 5 तस्वीरों से विकास के एनकाउंटर का सच, जिस पर हमारी बातचीत 5 बजे भी जारी रहेगी। ये 5 तस्वीरें दिखा रही है विकास के एनकाउंटर का सच। टोल प्लाजा पे गाड़ी निकलती है, टोल प्लाजा की तस्वीर है गाड़ी, फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हाईवे पर जो गाड़ी की तस्वीर है उल्टी लेटी हुई वो देख सकते हैं आप, फिर दिख सकता है आपको किस तरीके से वहां पर बंदूक लेकर भागने की कोशिश करते वक्त उसका एनकाउंटर किया गया। ये तस्वीरें, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें 5 उन टोल प्लाजाओं की, उन रास्तों की जहां से वो गाड़ी गुजरी जिसमें विकास दुबे सवार था। ये 5 तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब 5 बजे लौट कर आएंगे तब इंडिया न्यूज आपके लिए लाने वाला है विकास के एनकाउंटर का संपूर्ण सच।
कितने सवाल और कितने पेंच, ये खास जानकारियां जो अब तक आपको कहीं पर भी नहीं मिली है, ना आपने देखा है, ना आपने अभी तक उसके बारे में देखा होगा, इनसाइड स्टोरी विकास दुबे के एनकाउंटर की ये पांच तस्वीरें, ये पांच तस्वीरें महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, 5 बजे आपको दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी विकास दुबे के एनकाउंटर की, देखेगा जरूर 5 बजे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया न्यूज पर बने रहिए।